ठीक और एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, सीधे मैं ले चलता हूँ दर्शकों को रोमाना के पास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेताओं में मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ा टेस्ट था इस बार का मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए। और नंबर ये बता रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही बीजेपी का दिग्गजों वाला दाव और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सब बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का आंकड़ा 144 पर, कांग्रेस 82 पर, कुल मिलाकर बीजेपी सुनामी लाती हुई मध्य प्रदेश। बिल्कुल, बहुत सुनामी लाती हुई। और अगर आप देखें चुनाव आयोग का तो 73-28 यानी बहुत ज्यादा, डबल से भी ट्रिपल के करीब है बीजेपी वहां पर। और अगर यही रुझान, क्या चला मध्य प्रदेश में, ये अब थोड़ा और परिणाम आ जाए तब इस पर बात होगी। मध्य प्रदेश में क्या चला, वीआईपी सीट पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए रमन सिंह आ गए हैं, गिरीश देवांगन कांग्रेस ने उतारा था उन्हें राजनांदगांव से, वो पीछे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। पाटन में अपनी सीट नहीं बचाते हुए नजर आ रहे, पीछे हो गए हैं भूपेश बघेल। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट, वो वहां से पीछे हैं। और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो घिरते हुए यहां पर राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेस के दिग्गज नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्टेबल बढ़त बनाती हुई, इसको आप देख लीजिए। कर्नाटक के बाद जो चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर के जिस आर्टिकल को लेकर आप बार बार चर्चा करते रहे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा राज्यों में नहीं चलता, उस चैलेंज को स्वीकार करके सेंट्रल लीडरशिप ने ये तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा। ये जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा चलता है चुनाव में? नहीं चलता है, लेकिन उसके साथ साथ और चेहरे भी चलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है और आगे रहेगा, उसमें कोई हमेशा रहेगा जब तक वो है। मध्य प्रदेश में क्या चला बादल जी? मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूँ आपको, लाडली बहना योजना और मोदी के का जो है अपना चेहरा है, क्योंकि शिवराज सिंह को तो हाशिए पे रखा गया। क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या कमाई रखी जी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए? ये बार बार ये, और ये चेहरा के अलावा रणनीति ये रही कि सारा विमेन बेस्ड स्कीम्स, और उसमें लाडली बहन योजना की मुख्य भूमिका है। लेकिन चारों तरफ अगर आप देखिए, चाहे वो राजस्थान हो या हर जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के लिए क्या स्कीम होनी चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस पर बहुत ध्यान। जल्दी से राम कृपाल, चेहरा नहीं चरित्र और नीतियाँ ये डिसाइड करती हैं, कोई चेहरा किसी का डिसाइड? मोदी का चेहरा, चेहरा नहीं मैं कह रहा हूँ चरित्र और नीतियाँ, मोदी का चरित्र, मोदी पर भरोसा, ये बड़ी चीज होती है। ये चेहरा फेरा कुछ नहीं होता और यही चलता हुआ आप कह रहे हैं कि नजर आ रहा है, और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में नजर आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में मामला अटक गया है। आकाशवाणी तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत से पिछड़ी। तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी, अब एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 59 पर आ गई है और बीआरएस तेजी से आगे बढ़ती हुई 49 पर पहुंच चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मामला 44-44 बीजेपी कांग्रेस। और इस बीच कुछ वीआईपी चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का चेहरा आप देख रहे थे। जुबली हिल से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में हैदराबाद की जुबली हिल सीट वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।